अस्सलाम वालेकुम भाइयों, भाइयों मैं हूं एतसली और आप देख रहे हैं एतसली दीन की बातें। भाइयों आज हम सूरह अलिफ लाम मीम पढ़ने के तरीके के बारे में बताएंगे। हिंदी में सूरह अलिफ लाम मीम पढ़ने का तरीका, सूरह अलिफ लाम मीम पढ़ने का सही और बेहतरीन तरीका। तो भाइयों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सिराता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून व अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़ीनून उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून इन्नल लज़ीना कफ़रू سبعون عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غصاوة ولهم عذاب عظيم। भाइयों रुकू हो गया। भाइयों यहाँ तक अलिफ लाम मीम की पूरी सूरा है। भाइयों आप नमाज में अलिफ लाम मीम की मेन सूरा पढ़ सकते हैं, एक आयत पढ़ सकते हैं, दो आयत पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो भाइयों वैसे पढ़ सकते हैं। और भाइयों इसकी मुकम्मल सूरा ढाई पारे में, जैसे सूरह बकरा के नाम से जाना जाता है। तो भाइयों आप सबसे गुजारिश है कि सूरह अलिफ लाम मीम को जरूर से जरूर हिफ्ज़ कर लें। और भाइयों ऐसी इस्लामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। भाइयों हम ऐसी हिंदी में वीडियो बनाते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और भाइयों हमारी वीडियो को शेयर करना ताकि भाइयों आपकी वजह से और भी लोग इस चैनल से ऐसी वीडियो सीख सकें। और भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।